और इस बटनी का निकाह मैं अपने छोटे भाई से करूंगा। नमस्कार, मैं उड़ीसा से बात कर रही हूँ, अमरेंद्र साहू। जिस लोगों ने अभी तक कश्मीर फाइल अभी तक नहीं देखा है, प्लीज़ एक बार जाकर देख लो उस फिल्म में क्या क्या है क्या नहीं है। जो जम्मू कश्मीर जो 1919 में जो हुआ था, जो पंडित को भगाया था, मार दिया था, जो भी जो सिलसिले जारी था उस समय, वो 32 ईयर्स ऑलरेडी हो चुकी है अभी तक। तो कोई कोई यकीन नहीं कर रहा है एक्चुअली हिंदू के साथ क्या क्या हुआ था। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, एक उड़ीसा एक यूट्यूब से आते मैं कल अलर्ट देख चुका हूँ क्या इसमें है। मैं खुद को कंट्रोल कर नहीं पाया उस हॉल पे। तो प्लीज़ आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप एक बार सब कुछ सब लोग जाओ और देखो हिंदू लोगों के साथ क्या क्या हुआ था उस समय। क्योंकि हमने बहुत सारा फिल्मी हमने देख लिया है, देखता हूँ, टाइम देता हूँ, मगर देश के लिए, हिंदू समाज के लिए देखिए एक क्या क्या हुआ था उस समय। क्योंकि मैंने सारा डिटेल्स तो इस वीडियो पर नहीं बता सकता, कि फिर भी मैं आपको इतने से बताता हूँ, जिस प्रॉब्लम हो रही है अभी भी चल रहा है। क्योंकि जम्मू कश्मीर हमारा इंडिया का एक बॉर्डर है, जो जानते हो बता, अभी भी हर दिन जम्मू कश्मीर के लेकर हमारे बीच में गोली बरसा चलता है। बहुत सारा प्रॉब्लम भी आता है, बहुत सारा इंडियन आर्मी और उनके साथ जो मारपीट हो रही है, गोलियाँ बरसात जा रही है। प्लीज़ अगर अभी नहीं देखोगे तो नहीं समझोगे एक्चुअल हुआ क्या था। जो इसमें जो ट्रोल हुआ था, जिस जो 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 फिल्म स्टार ने ट्रोल हुआ था, फिल्म को प्रमोट नहीं किया था, लोग उनको बायकॉट कर रहे हैं, आप लोग मीडिया में ऑलरेडी देख रहे हो। तो मैं आपको इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार ज़रूर जाके फिल्म देखो और इसको समझो क्या हुआ था। मैं उड़ीसा से बात कर रहा हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है हिंदी कहने से, फिर भी मैं बता रहा हूँ। तो प्लीज़ आके मुझे कमेंट करो मैं कैसा लगा फिल्म। नमस्कार।